Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का टेस्ट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं ऋतुराज अवस्थिर आपको नो योर स्टेट में स्वागत करता हूं 9 पीएम 9 बज चुके हैं और आज है हमारा डे नंबर 27 और हम डिस्कस करने वाले हैं नागालैंड के बारे में डे नंबर ट्वेंटी सेवन का मतलब यहाँ पर क्या है कि कौन से नंबर का स्टेट होगा ये हमारा आज का छब्बीसवां राज्य है ट्वेंटी सिक्स स्टेट है राइट और एक यहाँ पे इंट्रो सेशन था तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए ट्वेंटी सेवन बट अगर अपन स्टेट की बात करें तो कौन सा है छब्बीसवां राज्य है सभी का स्वागत है जल्दी से सभी लोग अपना अटेंडेंस मार्क करें और सेशन को शेयर कर दें राइट सो डे नंबर 27 और राज्य हमारा 26वां आप सभी को पता है नागालैंड के बारे में गुड इवनिंग प्रीति जी नरेंद्र चॉकलेट बॉय भास्कर जी मुस्कान प्रियंका विशाल इशिता सो so, जल्दी से, से सेशन को शेयर कर दीजिए गाइज अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए आज हम जानेंगे नागालैंड के बारे में जो कि नागालैंड स्टेट ऑफ इंडिया कहाँ पे लाइक करता है हिल माउंटेन्स राइट right, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है और अगर देखें इट इज वन ऑफ द स्मॉलर स्टेट ऑफ इंडिया ये भारत के जो छोटे राज्य हैं उनमें से एक कहलाता है ठीक है इसके बारे में हमें जानना है ये हमारा जो लिस्ट होता है पर्टिकुलर टेबल ऑफ कंटेंट इतनी सारी चीजें हम हर राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं हर राज्य के बारे में जानते हैं फॉर्मेशन कैपिटल नोन फॉर गवर्नर सीएम, चीफ मिनिस्टर एरिया बॉर्डर पॉपुलेशन इनमें आपको बाकी तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो चीज़ें अगर नहीं मिलती हैं इट मीनस कि वो उस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं कुछ वेरिएबल हैं लाइक गवर्नर सीएम एंड चीफ जस्टिस ये आपके वेरिएबल हैं और ये यहाँ पर क्या होंगे आपके वेरिएबल्स ये वेरी करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम वेरी करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम समय के अकॉर्डिंग ये वेरी करते रहेंगे मैं आपको बोलूंगा कि जब भी एग्जाम देने जाएं उसके वन वीक बिफोर एक सप्ताह पहले इसे क्या कर लें अपडेट कर लें वन वीक बिफोर एक सप्ताह पहले आप इसे अपडेट कर लीजिएगा सो so दैट चीजें क्या हो जाए आपकी चेंज हुई हो तो आपको समझ आ जाए ठीक है नागालैंड की अगर हम लोकेशन बात करें तो वेयर इज नागालैंड इट इज सिचुएटेड एट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया भारत का जो पूर्व हिस्सा है इस पूर्व हिस्से में नागालैंड सिचुएटेड है इससे पहले अगर हम देखें कौन कौन से राज्यों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है केरल तमिलनाडु कर्नाटक गोवा आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल बिहार राजस्थान उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश आसाम मिजोरम मेघालय राइट नागालैंड राइट नागालैंड के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं अभी हमारा बचा है कौन सा सिक्किम और सिक्किम के साथ यहाँ पर एक छोटा सा स्टेट त्रिपुरा ये दो राज्य बच रहे हैं सिक्किम हम डिस्कस करेंगे मंडे को और ट्यूसडे को हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा के बारे में और हमारा ये स्टेट सो वाला जो है ना नो योर स्टेट इस इसमें सारे आपके हो जाएंगे 28 राज्य राइट नो योर स्टेट के 28 राज्य हो जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहां पे नागालैंड के बारे में तो नागालैंड का जो फॉर्मेशन है ये हुआ था फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन को बनाया गया था इसको जो एक्ट लाया गया था इनेक्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट के तहत इसको बनाया गया था राजधानी है नागालैंड की कोहिमा एंड इट इज वन ऑफ द स्मॉलर स्टेट ऑफ इंडिया ये भारत के छोटे राज्यों में से एक है राइट right? नहीं हम एक दिन में दोनों को नहीं लपेटेंगे ठीक है हमको ऐसे लपेटना होता तो हम एक दिन में पूरे अट्ठाईस के अट्ठाईस लपेट देते हैं ओके सो यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गवर्नर की तो पहले गवर्नर थे यहाँ पे विष्णु सहाय जी विष्णु सहाय जी कब से कब तक गवर्नर रहे हैं तो 1963 से लेकर के 68 के बीच में ये गवर्नर रहे हैं नागालैंड के और वर्तमान में हैं रवि नारायण रवि रविंद्र नारायण रवि जी जो दो में यहाँ के गवर्नर बने थे तब से लेकर के अभी तक हैं चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो यहाँ के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे इनको बोला गया श्री पी आओ पी आओ 1963 से लेकर के 66 के बीच में चीफ मिनिस्टर रहे हैं वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे नेफ्यूरियो नेफ्यू रियो, नैफ्यू रियो 2018 से वर्तमान तक ये चीफ मिनिस्टर हैं 2018 में ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे इसके बाद यहां पर देखिए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नागालैंड का जो हाई कोर्ट है ये गुवाहाटी के अंदर ही आता है इसका कोई सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है राइट तो यहां पर अगर हम देखें तो फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आर एफ लॉस प्रेजेंट में हैं अजय लामा जी इनके बारे में मैंने आपको बताया ही पहले ही हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं सबसे पहले यहां पर देखिए अगर हम एरिया की बात करते हैं तो नागालैंड का जो एरिया है इट इज अबाउट सिक्स फोर जीरो वन किलोमीटर स्क्वायर राइट इतने किलोमीटर स्क्वायर है या अगर हम इसको माइल्स में देखें तो सिक्स फोर जीरो वन माइल्स सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवन नाइन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है फॉरेस्ट एरिया मतलब यहाँ पे जो आपका जंगल वाला एरिया है जिसे हम फॉरेस्ट एरिया कहते हैं फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे कितना है तो ये फॉरेस्ट एरिया अगर आप देखें यहाँ पर तो ये कितना मिलेगा आपको इट इज अबाउट 8,629 स्क्वायर किलोमीटर 52 परसेंट ऑफ द जोग्राफिकल एरिया में आ जाता है रिजर्व फॉरेस्ट ये आपका 3.06 परसेंट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 3.51 परसेंट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं अनक्लास्ड मतलब खुला जो है आपका ये 93.56 परसेंट के आसपास फॉरेस्ट आ जाता है अनक्लास्ड है अगर हम इसकी बॉर्डर लाइन को देखते हैं तो बॉर्डर लाइन यहाँ पर क्या मिलेगा आपको स्टेट स्टेट में ये अपनी सीमाएं शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मणिपुर और आसाम के साथ सीमाओं को शेयर करता है और म्यांमार बर्मा के साथ ही अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है अगर आप इसका डायग्राम में देखना चाहें तो यहां पर आपको मिलेगा राइट दिस इज द डायग्राम ऑफ नागालैंड यहां पर आप देख सकते हैं नागालैंड को ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ ईस्ट में दिस इज नागालैंड ये नागालैंड सिचुएटेड है राइट right? और नागालैंड की जो सीमाएं मैं आपको अभी बता रहा था इसकी सीमाएं किसके किसके साथ मिलती हैं? ये वाला जो रीजन है यहां पर यह अपनी सीमा शेयर करता है आसाम के साथ राइट right, आसाम मतलब किस रीजन में आ गया ये पश्चिम हो गया और पश्चिम के साथ साथ साउथ पश्चिम दक्षिण पश्चिम इन दोनों जगहों पर आसाम के साथ इसकी सीमाएं मिलती हैं जब आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश तो ये पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर ये जो रीजन है ये अरुणाचल प्रदेश कहलाता है यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है इसके बाद जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट में आते हैं तो ये कहला जाएगा मणिपुर राइट मणिपुर हो जाएगा मणिपुर के बाद इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देखें सो दिस इज ये नागालैंड का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है नागालैंड अपनी जो बाउंड्रीज है वो इन पर्टिकुलर राज्य और देश के साथ शेयर करता है म्यांमार के साथ पॉपुलेशन जो नागालैंड की है इट इज अब अकॉर्डिंग टू द टू थाउजेंड इलेवन नाइनटीन लैक्स सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू इतने लोग हैं जिनमें से मेल्स आपको मिलेंगे टेन लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन फीमेल्स यहां पर अगर हम देखें तो मिलेंगी नाइन लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री ये आपके यहां पर मेल और फीमेल कहला जाएंगी ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर देखिए आपको मिलेगी इंग्लिश स्टेट सिंबल्स नागालैंड के कोहिमा यहां की राजधानी है बताया मैंने आपको स्टेट एनिमल ये कहलाता है मिथुन मिथुन को स्टेट एनिमल कहा जाता है स्टेट वर्ल्ड के तौर पर जाना जाता है ब्लिथ ट्रैक पॉन को या ओपन को कहा जाता है स्टेट बर्ड स्टेट फ्लावर यह आपका रोडेंड्रॉन कहलाता है स्टेट फ्लावर स्टेट ट्री यहां पर आपको मिलेगा एल्डर राइट ये स्टेट ट्री नागालैंड में जितने भी जंगल है वो हर जगह पर क्या होता है इसको पाया जाता है इसके बाद यहां पर देखिए डांस फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म की बात करें चांग सांग ये एक डांस फॉर्म है इसके अलावा आपको यहां पर मिलेगा कुकुई पेथो ऑलिंग लॉकपू मेलो फिता केतर सुंगसांग और अंगाड़ा उंगाड़ा यह आपके डांस फॉर्म हैं जो कहां पर हैं ये सारे के सारे डांस फॉर्म हैं जो कि आपके मिलते हैं नागालैंड में राइट गुड इवनिंग नरेंद्र जी गुड इवनिंग एवेल चान्नी पूनम सभी का स्वागत है आगे बढ़िए आगे जानते हैं हम यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में तो राइस कॉर्न स्मॉल मिलेट पल्सेस ऑयल सीड फाइबर सुगर केन पोटैटो टोबैको ये सारी फसलें नागालैंड में उगाई जाती हैं राइट मोस्ट प्रॉबली जो एरिया है आपका हिली है बट ये फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं यहां पर एक ही नेशनल पार्क है जिसे हम क्या बोलते हैं एतांकी राइट एतांकी यहां पर आपका नेशनल पार्क है या इनताकी जिसको अपन बोलते हैं इनतांकी ये नेशनल पार्क है इकलौता ट्रिक कोई नहीं है इसकी ऐसे ही आप पढ़ लीजिएगा याद रहेगा ठीक है हेलो अनिशा अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है है ना पूनम आज कितने दिनों के बाद आई है चलो आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे जानते हैं विशाल आज नहीं आया है ना विशाल आज गायब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है यहां पर आपको मिलेगा फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुली, बा, ए, पुली बाग पुली बाड़ बागजे रंग पहाड़ ये आपकी सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो कहां पर मिलेंगी नागालैंड में रिवर्स तो रिवर्स में हम देखें धनसरी धनसरी नदी कहां से लायसांग पीक से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती है धनसरी के बाद आपको मिलेगी यहां पर जो नदी है दोयांग। ये कहां से आती है जापफू हिल से धनसरी कहां पर शिव में दिक्षु यह आपको मिलेगी नरोतो हिल से यह भी कहां तक जाती है ब्रह्मपुत्र तक यह नदियां हैं जो यहां पे आती हैं राइट आगे चलते हैं और हम यहाँ पर जानते हैं लेक्स के बारे में कौन कौन सी लेक यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं तो सिलोई लेक ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी सिलोई लेक के अलावा जिसको जूडू लेक कहा गया ये भी आपके नागालैंड में ही सिचुएटेड है वाटरफॉल्स तो वाटरफॉल्स में एक ट्रिपल फॉल्स करके है ट्रिपल फॉल्स का मतलब यहाँ पर क्या है तीन धाराएं एक साथ यहाँ पर गिरती हैं इसको ट्रिपल फॉल कहा जाता है इसके अलावा यहां पर एक फेक वाटरफॉल भी है फिर पावर प्लांट एक ही पावर प्लांट है जिसे हम क्या बोलते हैं दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नागालैंड का एक इकलौता पावर प्लांट है एयरपोर्ट में भी एक ही है जिसे हम क्या बोलते हैं दीमापुर एयरपोर्ट राइट दीमापुर एयरपोर्ट यहां पर सिचुएटेड है एक इकलौता फेमस एयरपोर्ट है जो कि नागालैंड में है राइट right? दीमापुर एयरपोर्ट के बाद यहाँ पर जो फेमस स्टेडियम है इनमें आपको स्वाभिमा क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा ये कहाँ पर सिचुएटेड है दीमापुर में ये नागालैंड का एक इकलौता स्टेडियम है बहुत छोटा राज्य है ज्यादा बड़ा है नहीं है ट्राइब्स छोटा है लेकिन ट्राइब्स यहाँ पे बहुत सारी है अंगमी ओ चेकसांग चांग खैमियमगन कुकी कोक कौन, लोथा फोम पोचुरी रेंगमा सेंगतम सुमी, यिमचुंगरू और जीलिंग ये सारी की सारी ट्राइब्स आपकी यहाँ पे पाई जाती हैं राइट जनजातियां जिनको हम कहते हैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो आपके रिमेन्स ऑफ द फोर्ट दीमापुर दीमापुर फोर्ट के जो रिमेन्स हैं ये यह यहाँ पर आपके अवेलेबल है इसके अलावा आप देखिए स्टोन केअर्न ऑफ द मेमोरी ऑफ मिसेस मिस्टर दामंत जो कोहिमा में सिचुएटेड है एल एच फोर्स ग्रेब मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जी एच दामंत मेजर कुक एंड सूबेदार नूरबीर शाही ये कहाँ पर है खोनोमा में है दीज आर द इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स निकनेम ऑफ द सिटी तो यहां पर एक शहर है जिसे कहा जाता है जुनहे बोटो जुन्हे बोटो को कहा जाता है द लैंड ऑफ वॉरियर्स वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा योद्धाओं का योद्धाओं की भूमि राइट योद्धाओं की भूमि यहां पर इसको हम क्या कहते हैं कहते हैं जिसको बोला गया जुने बोडो आगे देखिए यहां पर आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल में जिसे हम कहते हैं नाजू सेक्रेनई तुलोनी येम्सा और रेंगमा नंगदेश राइट रेंगमा दाह या गदाह जिसको कहते हैं ये आपके यहां पर इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल कहला जाएंगे इसके बाद टूरिस्ट अट्रैक्शन में आपको मिलेगा कचरी रेंज राइट फिर आपको कचरी रेंज के अलावा ये आप माउंटेन्स में बने हुए गांव यहां पर फेमस है देखने लोग जाते हैं दाइजीफे क्राफ्ट विलेज हुआ रंग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट हुआ फिर चुमके दिमा विलेज हुआ दीमापुर एओ बप्ट चर्च दीफू पर नीचूगार्ड कुकी दोलंग विलेज ग्रीन पार्क नागालैंड साइंस सेंटर मेथजी फेमा और रूजा फेमा दीज आर द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ नागालैंड आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के बारे में तो आपको दो मिलेंगे एक जिसको कहते हैं नागा मिर्चा नागा मिर्चा एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है दूसरा नागा ट्री टोमेटो राइट नागा के पेड़ों के जो टोमेटोज हैं ये यह यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर में है और नागा मिर्चा ये आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेटर में है अब बारी है यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्विज की क्विज अपन स्टार्ट करें उससे पहले देखिए अगर आप एस एस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एस एस सी सी ये आपका जो है ना लाइव कोचिंग 3.0 आपके लिए है जहां पर आपको 340 फोर्टी प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी सेवन डेज का मनी बैक गारंटी भी है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राइट लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही साथ टेक्स बुक की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा वहां से आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए टू लाइव कोचिंग इज फॉर यू जहां पर आपको मिलेंगी 250 फिफ्टी प्लस लाइव क्लासेस टू प्लस लाइव क्लासेस के साथ एट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम क्वालिफाइड कोच कॉम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक पॉस बिल्कुल अनीसा यहां पर बहुत छोटे छोटे राज्य हैं तो इनमें ज्यादा कुछ है नहीं है ना टेक्स्ट बुक कोच पर्सनलाइज गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट हु हैव द एग्जाम राइट जिसने एग्जाम क्लियर किया है तो ये आपको यहां पर क्या हुआ यहां पर आपको गाइड करेगा इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रेलवे का मेला चल रहा है इस रेलवे के मेला में आपको टेस्ट बुक का ईयरली पास मिल रहा है एट जस्ट रुपीज टू नाइनटी नाइन जहां पर आपको मिलेंगे हंड्रेड प्लस कोर्सेज सिक्स हंड्रेड प्लस टेस्ट एट जस्ट रुपीज टू नाइनटी नाइन रेलवे मेला का अगला प्रोडक्ट है जिसे बोला गया आर आरबी ग्रुप डी लाइव कोचिंग वन सेवेंटी प्लस लाइव क्लासेस एट जस्ट रूपीज टू नाइनटी नाइन टू नाइनटी नाइन ओनली एंड अगर आप यहां पर देखिए बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का एक बैंकिंग चैनल है टली फॉर द बैंकिंग कॉन्टेंट तो इसे आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेलवे मेला में आर आरबीए कोचिंग थ्री पॉइंट जीरो देखा ही होगा कि एन टी पी सी की डेट्स आ चुकी है तो आर आरबी एन टी पी सी लाइव कोचिंग थ्री पॉइंट जीरो इज फॉर यू यहां पर अगर आप देखें तो इस लाइव कोचिंग में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी तो इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा समय शुरू हो चुका है जल्दी से आंसर देना है कल दोपहर में 11 बजे आप जितने भी लोग सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए एक सेशन है राइट जीके का जीके का सेशन जिसको बोला गया जीके का निचोड़ मतलब इसका क्या है जीके में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक आपको यहां पर मिलेंगे इसमें आपको मिलेगा फोर एन वन फोर एन वन मॉडल पेपर राइट कितने तैयार हैं आप वहां पे खुद को एनालाइज कर सकते हैं कल सुबह ग्यारह बजे जुड़ना मत भूलिएगा राइट तो इसका सही उत्तर अगर आप देखें क्या कहला जाएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड तो मैंने आपको बताया था इंग्लिश लेकिन कौन सी इंग्लिश जिसे हम इंडियन इंग्लिश कहते हैं ये यहां की आधिकारिक भाषा है राइट 2011 में अगर देखें तो सेंसस का डेटा आया था तो उसमें बोला गया था कि 14 भाषाएं इफेक्टिवली यहां पर बोली जाती हैं राइट 17 आपके डायलैक्ट्स हैं और यहां पर अगर उनमें भी देखें तो कोयांग सबसे ज्यादा बोली जाती थी फोर्टी रीजन में बट यहां पर अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश ओके इसमें फर्क यह है कि जब अपन इंग्लिश बोलते हैं ना तो इंग्लिश में एमओ H माउथ होता है माउथ का मतलब मुंह होता है है ना लेकिन जब अपन इंडियन इंग्लिश बोलते हैं तो वहां पे क्या होता है एमओ H माउथ माउथ माने थूथड़ा है ना दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश एंड इंडियन इंग्लिश राइट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है वॉट इज द वेन द स्टेट ऑफ नागालैंड इज फाउंडेड नागालैंड का जो स्टेट है ये कब बनाया गया था इसका सही उत्तर बताना है समय अपनी रफ्तार के साथ चल रहा है ये उत्तर प्रदेश वाले बताएंगे थोड़ा क्या होता है <laughs> इसका अगर आप सही उत्तर देखें तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा फर्स्ट दिसंबर 1963 मैंने आपको बताया नागालैंड को फाउंड किया गया था थर्टींथ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था थर्टीन कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट एक्ट इसके तहत यहां पर इसे क्या किया गया था लाया गया था और यह अगर देखें तो मतलब बना था 1963 में इसके अलावा अगर देखो यहां पर हम जाने एक अप्रैल 1936 एक अप्रैल 1936 को कौन सा राज्य बना था उड़ीसा बताया था मैंने फर्स्ट अप्रैल 1936 को फाउंड किया गया था राइट उड़ीसा फिर 1966 में कौन फॉर्म हुआ था पंजाब और यहां पर आप देखिए 1960 सौ यहां पर कौन सा बना था स्टेट महाराष्ट्र राइट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है विच इज द ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ नागालैंड नागालैंड राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन ओनली डिफरेंसेस प्रोनाउंसिएशन एंड नथिंग एल्स समय समाप्त हो चुका है इसका अगर हम सही उत्तर देखते हैं राइट right आंसर क्या कहला जाएगा चांगकी नेशनल पार्क इकलौता है बताया ही था है ना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा टांकी नेशनल पार्क हो जाएगा है ना ये कहां पर लोकेटेड है प्रेरेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और अगर टांकी का देखे तो ये आपका जेमे डायलेट जो है ना उससे इसको निकाला गया है ये अगर टांकी फॉरेस्ट रिजर्व देखे सबसे पहले इसको 1923 में फॉरेस्ट रिजर्व के तौर पर बनाया गया था इसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था 1975 में और उसके बाद 1993, 1993 में ऐसे बना दिया गया था नेशनल पार्क राइट right? 1993 में इसको बना दिया गया था नेशनल पार्क यस योर यू कैन ब्लॉक एनी अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे समय आपका शुरू हो चुका है जल्दी से आंसर बताना है नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताया था मैंने आपको तो इसका अगर हम सही उत्तर देखें राइट आंसर क्या कहला जाएगा पी सिलू आओ पी सिलू आओ यहां के पहले मुख्यमंत्री हैं राइट और पीसलू आओ इन्वॉल्व थे आपके नेगोशिएशन जो आपका नागालैंड के क्रिएशन के लिए हुआ था है ना और इनके ड्यूरेशन में अगर देखें तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है 1963 से 66 के बीच में चला था नागा ने, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ये हिस्सा हुआ करते थे मेंबर हुआ करते थे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोविंग लेक इज प्रेजेंट इन नागालैंड निम्नलिखित में से कौन सी झील नागालैंड में मौजूद है इसका अगर हम सही उत्तर देखें राइट आंसर क्या कहला जाएगा जिसे हम बोलते हैं सिलोई झील सिलोई लेक इज लोकेटेड इन नागालैंड राइट जो आपका गुरुंडोमर झील है या जिसको अपन बोलते हैं सांगस्तार सो झील सो झील कहां पर लोकेटेड है इट इज इन द अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में है ये झील राइट right? दूसरा जिसे बोला गया गौरुंगडोमर झील ये कहां पर लोकेटेड है सिक्किम तीसरा लोकतक झील ये आप सभी को पता है कहां पर है मणिपुर राइट right? और सिलोई कहां पर है इट इज इन द नागालैंड अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ऑर्गेनाइज द हॉर्नबिल फेस्टिवल एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ क्या हो गया निशा तुमको देखो एक चीज कही जाती है चलो हम तुमको इसका आंसर दे दे फिर बताते हैं इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दिसंबर हर साल दिसंबर में यह त्योहार जो है मनाया जाता है राइट हर साल दिसंबर में यह त्योहार मनाया जाता है एक दिसंबर से सात दिसंबर के बीच में ठीक है यहां पर देखो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं अगर आप भी यही सोचने लग गए तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं फर्क इस बात से आपको पढ़ना चाहिए आप अपने बारे में क्या सोचते हो राइट फर्क इस बात से पढ़ना चाहिए आप अपने बारे में क्या सोचते हो कोई बात नहीं ना बोल रहे दो लोगों का काम है बोला पीठ पीछे तो लोग राजा को भी गाली देते हैं है ना देते हैं नहीं देते हैं सिंपल सी चीज है चलो आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं ये हर किसी के लिए है इट इज नॉट ओनली फॉर यू ये हर किसी के लिए है अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आपका टक्कर लेने के लायक नहीं है ठीक है वो व्यक्ति आपका टक्कर लेने लायक नहीं है तो करने दो ना अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है अपनी आजादी का यूटलाइजेशन करने दो आप अपने मजे में रहो अपना काम करते रहो अगले क्वेश्चन पे आओ पूछा गया है आपसे यहां पर कैपिटल ऑफ नागालैंड इज़ नागालैंड की कैपिटल क्या है नागालैंड की कैपिटल क्या है सभी को पता है है ना अभी हमने डिस्कस किया था द कैपिटल ऑफ नागालैंड एस इसे क्या बोला गया बी कोहिमा ये नागालैंड की कैपिटल कहलाती है अच्छा दीमापुर कहां की कैपिटल है राइट right? दीमापुर कहां की कैपिटल है मोकोंगुग कहां की कैपिटल है और तेजपुर ये प्लेसेस हैं जो कहां पर है नागालैंड में है right? राइट ये आपके प्लेसेस हैं ये यहां पर कैपिटल नहीं है कैपिटल क्या है कोहिमा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ नागालैंड नागालैंड के पहले लोकायुक्त तो कौन है यस दीमापुर एयरपोर्ट है वही तो मैं बोल रहा हूं लोकायुक्त तो कौन है तो आप सभी को पता होगा मेघालय हाई कोर्ट से रिटायर हुए थे है ना मेघालय हाईकोर्ट से रिटायर हुए थे और इनका नाम है जिन्हें कहा जाता है न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह जी ये सबसे पहले लोकायुक्त बने नागालैंड के मेघालय हाईकोर्ट से रिटायर्ड हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांस ऑफ नॉट अ फोल्क डांस ऑफ नागालैंड कौन सा नागालैंड का एक लोक नृत्य नहीं है अरे दीमापुर कैपिटल नहीं है दीमापुर कैपिटल नहीं है कोहिमा कैपिटल है दीमापुर एयरपोर्ट है प्लेसेस हैं सो so, इसका अगर आप सही उत्तर देखें राइट आंसर यहां पे क्या कहला जाएगा इसका सही उत्तर कहला जाएगा होजागिरी राइट होजागिरी अगर हम देखें तो ये फोल्क डांस नहीं है कहां का नागालैंड का होजागिरी एक ट्रेडिशनल अटायर है ट्रेडिशनल अटायर है होजागिरी फोल्क डांस अगर हम देखें तो कहाँ का कहला जाएगा त्रिपुरा जिसके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं ये वहां से रिलेटेड है त्रिपुरा से और यहां पर देखिए जो रेंगमा हुआ जेलियांग हुआ बैम्बू डांस हुआ ये सारे कहाँ से रिलेटेड है ये सारे रिलेटेड है नागपुर नागालैंड से तेजपुर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है तेजपुर शायद आसाम में पड़ता है तेजपुर आसाम में आता है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है आई होप अगला क्वेश्चन देखिए नागालैंड स्टेट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। नागालैंड किसके जुरिस्टिक्शन में आता है त्रिपुरा मणिपुर मेघालय और गुवाहाटी किस कोर्ट के अंडर आता है यह आपको बताना है So, अगर आप इसका सही उत्तर देखें राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा गुवाहाटी अभी मैंने आपको बताया था इसका कोई अपना खुद का हाईकोर्ट नहीं है ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंडर आता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ मेनी मेजर ट्राइब फाउंड इन द नागालैंड स्टेट नागालैंड राज्य में कितनी मेजर ट्राइब पाई जाती हैं इसका अगर आप सही उत्तर देखें समय समाप्त हो चुका है राइट आंसर यहां पर देखिए सिक्सटीन कितनी मेजर ट्राइब है नागा पूर्वोत्तर के कई निवासियों के लिए एक शब्द दिया जाता है ये जो नागा शब्द है ना ये बहुत सारे निवासी होते हैं उनके लिए शब्द दिया जाता है है ना टोटल अगर हम देखें तो 16 प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं जैसे मैंने आपको बताया अंगामी आओ सिंह चांग खानसुंग कुकी कोन्या कचरी ये ऐसी बहुत सारी ट्राइब हैं जो पाई जाती हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइजेस्ट पीक ऑफ नागालैंड स्टेट नागालैंड राज्य की जो सबसे हाइजेस्ट पीक है उसका नाम क्या है नागालैंड राज्य की हाइजेस्ट पीक का नाम क्या है इसका अगर आप सही उत्तर देखें तो राइट आंसर हम इसको क्या बोलते हैं सरमाती चोटी राइट right? सरमाती चोटी या सरमाती पीक इज द हाइजेस्ट पीक ऑफ नागालैंड जो एक प्लेस ऑफ डिग्निटी मतलब जो हार्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स कहलाती है और साबरमती पीक पूरी तरीके से स्नो से कवर होता है सीजन में फेबररी के टाइम पर और ये पूरी तरीके से डिस्पेयर हो जाता है साबरमती पीक कितने एल्टीट्यूड पर है सरमाती पीक तो ये थ्री एट फोर वन 3841 मीटर के एल्टीट्यूड में सिचुएटेड है सरमती पीक अगर नागालैंड म्यांमार का जो बॉर्डर है ये वहां पर सिचुएटेड है राइट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है नागालैंड शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर बेथ नागालैंड अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किसके साथ साझा करता है तो इसके बारे में आपको बताया था किसके साथ साझा करता है इसका सही उत्तर आप देखिए क्या हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं म्यांमार म्यांमार हो जाएगा राइट और यहां पर अगर हम देखें तो जो म्यांमार है ईस्टर्न साइड में आता है इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश आसाम और मणिपुर के साथ अपनी सीमाओं को यह साझा करता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ नागालैंड नागालैंड के पहले गवर्नर कौन है इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो क्या हो जाएगा श्री विष्णु सहाय जी इनके बारे में मैंने आपको बताया विष्णु सहाय जी नागालैंड के क्या हैं आपके फर्स्ट गवर्नर है पहले गवर्नर कहलाए थे जिनको कहा गया विष्णु सहाय राइट इसके अलावा देखिए जो बीके नेहरू जी हैं तो बीके नेहरू यहां पर अगर हम देखें तो बीके नेहरू नहीं थे है ना और बाकी लोग भी गवर्नर रहे हैं बट अगर हम यहाँ पे विष्णु सहाय जी की बात करेंगे तो सबसे पहले गवर्नर थे नागालैंड के जो कब से कब तक रहे तो फर्स्ट दिसंबर 1963 से लेकर के 1963 से लेकर के कब तक जाते हैं तो ये 16 अप्रैल 1968 इस समय तक थे राइट सो गाई दिस इज फॉर द डे आज की क्लास में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ जिन लोगों ने अपना अटेंडेंस मार्क नहीं किया है अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा वीडियो को लाइक करके राइट और आज हमारा अगर देखें तो 26वां राज्य खत्म हो गया है दो राज्य बचते हैं त्रिपुरा और सिक्किम तो मंडे और ट्यूजडे को वो भी कंप्लीट हो जाएंगे दिस इज फॉर द डे अगली क्लास में अपन मिलेंगे चिल्डेन टेक केयर बाय बाय एंजॉय योर वीकेंड गुड नाइट ऑल